माननीय उपसभापति महोदय, इस विषय पर कॉलिंग अटेंशन जो आया है, इस पर माननीय 13 सांसदों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए नशे की लत पर चिंता व्यक्त की है। भिन्न भिन्न प्रकार के नशे के बारे में जानकारी सामने आई है और उसके क्या परिणाम होते हैं जानकारी भी आई है और उसके रोकने के लिए प्रयास करने के लिए भी सुझाव आए हैं। मैं इन 13 ही माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए। निश्चित रूप से मेरा विभाग इन सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगा और मैं सोचता हूं कि नशा मुक्ति की दिशा में वो हमारे लिए लाभकारी होंगे। जिन माननीय सांसदों ने अपने सुझाव रखे हैं, मैं अधिकांश से सहमति व्यक्त करता हूं और मैं भी उनकी चिंता में मेरी चिंता भी व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है और चिंता का विषय है। हम नशा मुक्ति का प्रयास करते हैं, हम मान लो 100 लोगों को नशा मुक्त कराते हैं तो 90 लोग नए खड़े हो जाते हैं। अब ये परंपरा जो चल रही है, हमारा जो निरंतर प्रयास है, उसमें मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने जो कानून बनाया है और कानून पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल तो होते हैं परंतु पूर्ण सफल तब तक नहीं होते जब तक कि जनता की भागीदारी उसमें नहीं हो। जनता इसमें भागीदारी करे और देश को नशा मुक्त करें, देश को स्वस्थ बनाने में सहभागी बने तो बड़ी कृपा होगी। मैं बताना चाहूँगा कि नशा मुक्ति की दृष्टि से स्वापक औषध एवं वन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से लागू है। ये विधेयक वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। इस विधेयक में जो जो प्रावधान है वो प्रमुख रूप से इस प्रकार है कि एक तो व्यसनियों की, जो नशे में लिप्त है, उनकी पहचान करना, उनका उपचार करना, उनकी शिक्षा देना, बाद में देखभाल करना, पुनर्वास की व्यवस्था करना और सामाजिक पुनः एकीकरण, सामाजिक समावेशन की दिशा में प्रयास करना, ये उसके मूल उद्देश्य है और इन उद्देश्यों पर ही हम काम कर रहे हैं। इस एक्ट में माननीय कुछ सांसदों ने कहा कि सजा का प्रावधान करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, इस एक्ट में जब कोई नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, जब्त तो होते हैं नारकोटिक डिपार्टमेंट से या गृह मंत्रालय की ओर से, तो इस एक्ट के अंतर्गत 6 माह से लेकर के 15 साल तक की सजा का प्रावधान है और 2 लाख से कुछ अधिक मात्रा तक जुर्माने का भी प्रावधान है। और इस प्रकार की कार्रवाई गृह मंत्रालय के द्वारा और वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग द्वारा समय समय पर की जाती है। उनके आंकड़े भी हम उपलब्ध करा सकते हैं परंतु 1 घंटे में पूरा करना है ये तो ज़्यादा हो गया है। फिर भी मैं संक्षिप्त में कुछ न कुछ उचित जवाब देने का प्रयास करूँगा। माननीय सांसदों ने जो सुझाव दिए हैं, पहली बात तो आर के सिन्हा साहब ने कहा है कि 7-8 साल और 10 साल के बच्चों का, उन्होंने अपने जो ध्यानाकर्षण का विषय है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया था, नहीं तो हम उसकी तैयारी भी करके लाते। हमने जो हम रूटीन में कर रहे हैं 10 साल से 75 साल वालों का सर्वे, उसकी जानकारी दी है। सिन्हा साहब ने कहा था देश के विभिन्न भागों में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में मादक द्रव्य पदार्थों की लत की खबरों के कारण पैदा हुई स्थिति की ओर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान दिलाएंगे। मैंने बताया है कि हम 10 शहरों में, स्कूल में और कॉलेजों में ये सर्वे करा रहे हैं, परंतु सर्वे का आधार 10 साल से 75 वर्ष की उम्र तक के बीच के है और इसमें से उनकी मंशानुसार निष्कर्ष सामने आने की संभावना है। अब रहा सवाल 7-8 साल और 9 साल वालों का, तो उनके इस सुझाव पर हम विचार करेंगे, भविष्य में इस प्रकार का प्रयास भी करेंगे। नशा
कई प्रकार का है, सबने अलग अलग बातों का उल्लेख करते हुए कहा है। इन 4-5 वर्षों में नशा मुक्ति की दिशा में हमने अनेक प्रयास किए, राज्यों के मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं, राज्यों के सचिवों के साथ मीटिंग करते हैं, मीटिंग हमने कब कब की है उसकी जानकारी चाहिए तो वो भी है, डेट वाइज है, सब है। इसके साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हम बातचीत करते हैं, और एनजीओ जो लगभग 430 से अधिक संख्या में हमारे मंत्रालय से नशा मुक्ति के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, हम उन एनजीओ में जाकर के भी देखते हैं। मैं स्वयं भी कई एनजीओ में गया हूँ, ऑटोनॉमस बॉडी, नगरी निकाय वगैरह जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं उसमें भी गया हूँ, हमारे विभाग की ओर से कुछ नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं उसमें भी गया हूँ, और बाल सुधार गृह जहाँ इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए कोई अपराध करता है और अपराध करने के बाद जब वो पकड़ा जाता है तो सामान्यतया न्यायालय से बाल सुधार गृह में उनको भेज दिया जाता है, तो मैं एक नहीं अनेक बाल सुधार गृह में भी गया हूँ, उन छोटे छोटे बच्चों से प्रत्यक्ष में बीच में बैठ कर के बातचीत की है, और ये भी महसूस किया है मैंने कि वो कैसे नशे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज के वहाँ कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं जो नशीले पदार्थ लेकर के रहते हैं, बच्चों को वो पहले फ्री में देते हैं, 2-4, 8-10 दिन तक फ्री में दिया, बाद में उसकी थोड़ी बहुत आदत जब पड़ जाती है तो फिर फ्री में देने का हाथ खींचते हैं, और फिर कहते हैं कि वो तो 2000 की सामग्री है, 3000 की सामग्री है। वो बच्चे घर में से जाते हैं या तो माँ बाप से बहाना करके पैसे निकाल के लाते हैं, या कहीं ना कहीं चोरी छुप के पैसे लेकर के जाते हैं, वो नशे की लत पड़ जाती है। बहुत सारे इंजेक्शन भी लगाते हैं, नशीले पदार्थ सूंघते भी हैं, उनसे भी सब ये हो जाता है। अब इन सब प्रकार के नशे को हमने रोकने के भिन्न भिन्न उपाय किए हैं, और इन 5 वर्षों में निरंतर बजट में भी वृद्धि हो रही। जब हम 2014 में सरकार में आए थे तो 35 करोड़ का बजट था, और इस साल 135 करोड़ का बजट है। राज्य सरकारों को भी हम ये पैसा आवंटित करते हैं, एनजीओज को भी देते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज को भी देते हैं, और जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं उन सब को विधिवत प्रस्ताव आने पर आर्थिक सहायता देते हैं। कुल मिलाकर हमारा प्रयास ये है कि देश नशा मुक्त हो जाए और देश स्वस्थ हो जाए और देश में विकास की गति तेज हो। माननीय नवनीत कृष्णन जी ने पूछा था कि तमिलनाडु में कौन कौन से जिले हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं जिले बता दूंगा तो शायद वो वहाँ चर्चा का विषय होंगे, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बता दूँ। उन्होंने पूछा था, जो अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने, जो अच्छी बातें बताई हैं उसका उल्लेख करिए। ये जो 135 जिले का जिसमें हम सर्वे कर रहे हैं उसमें तमिलनाडु के 4 जिले हैं, कांचीपुरम है, तिरुवल्लूर है, तिरुचिरापल्ली है और तिरुनवेली है। आपका है माननीय, हम सर्वे कर रहे हैं, आप सर्वे में सहयोग दीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा संक्षेप करेंगे क्योंकि बहस एक घंटे में खत्म होनी थी आपके जवाब को लेकर, प्लीज टेक योर सीट। और जो जोखिम भरे वाले जिले वो भी बताऊं क्या विस्तार में गए बगैर? आप ये बहस तमिलनाडु के बजाय पूरे देश की इस नशा समस्या पर है माननीय मंत्री जी। जो क्रिटिकल जिले है ज्यादा वाले, माननीय मंत्री जी ये बहस पूरे देश की समस्या को लेकर के है, और समय आपके पास संक्षिप्त है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अब मेरे पास जो कहने के लिए है वो तो प्रमुख रूप से कह दिया, मैं राज्यवार जो आवंटन किया है वो भी बता सकता हूँ, एनजीओस के माध्यम से जो आवंटन किया है वो भी बता सकता हूँ, और जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं वहाँ हमने कार्यक्रम किए हैं, दौरे किए हैं, वो भी बता सकता हूँ। मैं कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि हमने इस काम के लिए सक्रियता से काम करने का प्रयास किया है, कठोर परिश्रम करके काम किया है, और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार हमने ये सर्वे कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में, 36 ही राज्यों में और 135 जिलों में सर्वे कार्यक्रम करने का लक्ष्य तय किया है, और वो दिसंबर 2019 तक पूर्ण होगा,
और उसके बाद हम अगली कार्य योजना बनाएंगे। एक्ट के साथ साथ नशा मुक्ति की नीति भी है जो 2012 से लागू है और उस नीति के अनुसार हम काम कर रहे हैं और इस नीति में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सुधार करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं जो प्रचलित है। माननीय सदस्यों ने जो जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से उनका उद्देश्य देश को नशा मुक्त करने का है, हमारे विभाग का लक्ष्य भी देश को नशा मुक्त करने का है। हम इस दिशा में कारगर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।